हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो 8th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डेसिमल वाले नंबर दिए गए हैं और इनको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 था ना, कुछ डेसिमल वाले नंबर दिए थे और हमको बताना था कि वो किन दो नंबर के बीच में आएंगे। सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1.1, 2.5 है, यानी कि हमको इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। और अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोज़ नहीं देखे या किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। तो ये स्टार्ट करें और इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, नंबर लाइन में शो करने के लिए सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बना लेना। कैसे बनाना है वो भी आपको समझा देता हूँ। एक लाइन बना लो, स्टार्टिंग में 0 लिखो, क्योंकि देखो हमारा निगेटिव नंबर तो है नहीं, माइनस वाला नंबर है नहीं, तो हम लोग माइनस में नहीं जाएंगे, सीधे 0 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 0 लिखो इस साइड में। उसके बाद क्या करना कि 0 से लेकर के 1 के बीच में टोटल 10 लाइन्स बनाना। क्यों बनाना है 10 लाइन्स? क्योंकि मैंने आपको स्केल में समझाया था मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितने लाइन्स होते हैं, टोटल 10 होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कभी भी हम लोग दो नंबर्स के बीच में हम लोग जब नॉर्मली स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना ना, तो एक्चुअल में हम लोग वहाँ पर 10 लाइन्स बनाते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और ये जो छोटी छोटी लाइन है ये क्या है, हमारी मिलीमीटर से है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको समझाया है ना, सेम उसी तरीके से। और उसके बाद अगर यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि 0.2 है तो ये किन कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया 7 नंबर में कि आपको ये डेसिमल के लेफ्ट वाला नंबर देखना है। अगर 0 है तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर यहाँ 1 है डेसिमल के लेफ्ट में, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो ये जो हमारा नंबर रहता वो 5 और 6 के बीच में आता। समझाया मेरी बात? तो ये हमारा 0.2 है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन आगे भी मैंने इधर 2 तक इसलिए ले गया क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा था मेरे पास। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर 0 से केवल 1 तक बनाना, फिर 2, 3, 5, 5 में लिख करके छोड़ देना। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको भी बनाना पड़ेगा थोड़ा दूर दूर तक, कम से कम 2 तक बना दीजिए, अच्छा लगता है तब बना दीजिएगा, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि वो 0 से 1 के बीच में ही आने वाला है, तो हम इधर टाइम वेस्ट क्यों करें एग्जाम में। ठीक है, अगर रफ में बना रहे हो तो ऐसे कर सकते हो या फेयर में कर सकते हो। बाकी एग्जाम में अगर टाइम आपके पास नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा मत काम करना, सिंपल 0 से 1 तक लाइन बनाना जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद यहीं पर 2 शो कर देना, थोड़ा सा दूर में 3 कर देना, थोड़ा सा दूर में 4 कर देना, खत्म खेल। ठीक है, अब देखो 0.2 है तो ये 0 हो गया। उसके बाद 2 लाइन्स आप छोटे छोटे वाले काउंट कर लो, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो यही जो हमारा लाइन है ये हो जाएगा 0.2। बस इसी टाइप इस तरीके से एरो का साइन लगा दो और बता दो कि यही जो भैया हमारा लाइन है, सेकेंड वाला लाइन, यही क्या है हमारा 0.2 है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दो, डार्क कर दो, ताकि अलग से वो दिखने लगे। ठीक है, अगला जैसे बी वाला क्वेश्चन है हमारा 1.9 है, तो ये हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा। पहले तो दिमाग में यही ले आओ कि ये 1 और 2 के बीच में आने वाला है हमारा, तो बस यहाँ 1 और 2 के बीच में देखो कहाँ पर आएगा, तो हमारे टोटल जो 9 लाइन्स होते हैं ना वहीं पर आएगा। देखो जैसे ये हो गया 1.1, ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और ये हो गया हमारा 1.9, यानी यही वाली जो लाइन है हमारी ये 1.9 है। तो एरो का साइन लगा कर यहाँ पर बता दो कि ये भैया हमारा 1.9 है। सेम उसी तरीके से जो आगे क्वेश्चन आइए मैं उनको आपको समझा देता हूँ। सी नंबर में देखो कितना दिया हुआ हमारे पास, 1.1 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर लाइन सेम ऐसी बना लेना है, ये 1.1 है यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हम इसको काउंट करेंगे, 0 के इधर ध्यान भी नहीं देंगे। ठीक है, तो 1.1 है यानी देखो ये 1 है, उसके बाद ये 1.1 कहलाएगा, फिर 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, तो आगे हमको नहीं बढ़ना है, केवल 1.1 में आ जाना है। तो ये हमारा हो गया 1.1, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन डी वाला जो लास्ट क्वेश्चन है उसको समझ लो, 2.5 है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है 3 तक लाइन बना लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इधर आप 0 लिखना, पास में 1 लिखना, पास में 2 लिखना, और फिर 2 और 3 के बीच में 10 लाइन्स ड्रॉ करना। छोटे छोटे लाइन मैंने ड्रॉ किया ना कि कुछ इस तरीके से, देखो मैं यहाँ पर आपको रफली समझा भी देता हूँ, अगर टाइम नहीं रहेगा तब कैसे करना। जैसे यहाँ पर 0 लिख लेना, फिर पास ही में 1 लिख लेना, फिर एकदम पास में 2 लिख लेना। उसके बाद हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर आने वाला है, तब उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीस लाइन और 10 नंबर में हमारा 3 आ जाएगा। ऐसे करना है, अगर टाइम नहीं है तब तो ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, हमको खोजना क्या था, 2.5 ढूंढना था, तो ये 2.1 हो गया, 2.2, 2.3, 2.4 और ये हो गया हमारा 2.5। तो बस यहाँ पर एरो की साइन लगाओ और बता दो भैया ये वाली जो लाइन है वो 2.5 है। यहाँ पर हमारा ये वाला वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा, एकदम सेम क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो नेक्स्ट वीडियो तो आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।